Good morning, student. Today I am going to teach you opposite birds. Student, opposite birds का मतलब होता है विलोम स्वर. मतलब जैसे कि मैं गुड गुड बोलती हूँ तो उसका opposite bad होगा. अच्छा का बुरा, yes का no, कम का go. इसी तरह आप लोग को opposite word आती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को फिर से पढ़ाना चाहती हूँ, revision कर देती हूँ. आप ध्यान देंगे. देखिए स्टूडेंट, एल ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का अपोजिट क्या होगा? इवनिंग. डे का अपोजिट क्या होगा? नाइट. एन आई जी एच टी नाइट. नाइट मीन्स रात, दिन मीन्स दिन. एस यू डबल एम ई आर समर. समर का अपोजिट क्या होगा? विंटर. समर का होगा विंटर. समर मीन्स गर्मी होता है और विंटर मीन्स शीत. और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सी एल यू ई एल क्रूर. इसका अपोजिट क्या होगा? काइंड. काइंड मीन्स होता है दयालु. और इसका मतलब क्रूर का मतलब होता है निर्दय. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, डी आई एस एच ओ एन ई एस टी डिज ऑनेस्ट मिस बेईमान. तो बेईमान का क्या होगा? ईमानदार. एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट मिस ईमानदार. Yes.
पतला, तो पतला का होगा मोटा। उसके बाद देखिए ई एम पी टी वाई इम्पर्टी, इम्पर्टी मीन्स खाली, तो इसका होगा फुल भरा हुआ। अंडर इंग्लिश होता है और यू एन डी आर अंडर, इसका मतलब होता है नीचे। उसका हो जाएगा ऊपर, अप मीन्स ऊपर भी होता है और स्टूडेंट इसका डाउन भी हो जाएगा, अप और डाउन सबको आए समझ में।
have a nice